हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन की चक्की। हाँ फ्रेंड्स, आपने बेसन की बहुत बार बर्फी बनाकर खाई होगी, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से अगर आप बनाकर खाएंगे तो आप उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे और बार बार बनाकर खाएंगे। फ्रेंड्स, अगर घर में कोई प्रोग्राम है या कोई ओकेशन है तो इस मिठाई को आप बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी चाशनी अपने गैस पर रख देती हूँ। तो चाशनी में मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। मैं गैस को ऑन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें डालूंगी मैं 2 से 3 इलायची। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इलायची मैंने तोड़ दी हैं, वो इसमें डाल दूंगी। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा अपने की मिठाई का। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी चाशनी को अच्छे से बॉईल होने देते हैं ताकि ये अच्छे से पककर तैयार हो जाए। और इसमें 2 से 3 केसर के धागे डाल देते हैं। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, ये चाशनी आपको 2 तार की बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी गैस पर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हम डालेंगे अपना बेसन। तो फ्रेंड्स, ये बेसन मैंने थोड़ा मोटा लिया हुआ है, इसमें आपकी चक्की काफ़ी अच्छी बनेगी। तो ये मैंने बेसन ले लिया है। अब हम अपने बेसन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपको अपने बेसन को रोस्ट कर लेना है। तो देखिए, ये सारा बेसन मैंने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर बेसन के मेजरमेंट पूछो तो ये बेसन है 500 ग्राम है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कि आपको कितनी मिठाई बनानी है। तो देखिए, मैं इस तरह इसे हिलाती रहूँगी ताकि ये अच्छे से पककर तैयार हो जाए। धीरे धीरे हमें अपने बेसन को किसी तरह पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हल्का हल्का बेसन गर्म हो चुका है, क्योंकि रोस्ट होने में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा कि आप इसमें घी डाल देंगे। घी डालने से बिल्कुल एक जैसा तैयार होता है, ऐसा नहीं होता कहीं से कच्चा और कहीं से पक्का। तो आप घी डाल के ही से बनाइएगा। तो इसमें अगर घी कम लगे तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा सा ये घी कम लग रहा है, लेकिन जब ये हमारा बेसन रोस्ट होगा तो ये जितना घी इसने मॉइस्चर किया हुआ है उस घी को ये छोड़ देगा। तो आप इतने ही घी में इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो धीरे धीरे मैं इसी तरह रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें आप इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि हमारा बेसन अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, इसे पकने में 10 से 15 मिनट आराम से लग जाती हैं। तो आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है। अगर आपकी मिठाई में थोड़ा सा भी जला हुआ आ गया या फिर ये नीचे से थोड़ा सा लग गया या जल गया, तो आपकी मिठाई का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे आपको अपने बेसन को इसी तरह पका लेना है। फ्रेंड्स, इसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है जब आप इसे बनाओगे हलवाई की दुकान से लेकर। आपको आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन अगर जब आप इसे घर पर बनाकर खाओगे तो आप घर पर ही घर का स्वाद बिल्कुल नहीं भूल पाओगी। और ये बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होती है घर पे, क्योंकि इसमें होममेड घी हो जाता है और उसकी वजह से इसका टेस्ट ही अलग आ जाता है। तो मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि हमारा बेसन बड़ी आसानी से पक जाए अच्छे से। फ्रेंड्स, जितना ही यह पकता जाएगा उतना ही हमारा घी रिलीज होता जाएगा। पहले मैंने जब इसमें घी डाला बहुत ही कम था, और अब आप देख सकते हो काफ़ी हमारा बेसन ने काफ़ी घी को रिलीज कर दिया है। और फ्रेंड्स, इसका अगर आप टेस्ट चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें खोआ भी डाल सकते हो, या फिर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मिल्क पाउडर की रेसिपी या मिठाई देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैंने मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया बढ़िया और बहुत ही अच्छी अच्छी लाजवाब रेसिपी बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑटोमेटिकली इसका कलर दिख रहा होगा, पहले में और अब में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। बस आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि बेसन को आपको कच्चा बिल्कुल नहीं रहने देना है। अगर बेसन आपका कच्चा रह गया तो आपकी मिठाई बिल्कुल कम्प्लीट नहीं होगी और अच्छी बिल्कुल नहीं बनेगी। बेसन को आपको अच्छे से पका ही लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये अपनी मिठाई को थोड़ा दानेदार बनाना है तो उसके लिए भी मैं बहुत बढ़िया आपको आइडिया दूंगी। आपको जब आपके बेसन की कंडीशन ऐसी हो जाए कि पकने की तरफ आ चुका है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध का हल्का हल्का चम्मच से छिड़का लगा दें, जिससे आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। जो आपकी मिठाई होगी तो उसमें इस तरह बबल्स आएंगे, तो काफ़ी दानेदार और काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रख देना है। तो अब फिर से इसी तरह हिलाने लग जाएंगे। जब भी आपका दूध इसमें जल जाए तो इसी तरह आप फिर से वही प्रोसेस चालू कर देंगे।
जो पहले थी। तो फिर से मैं एक चम्मच इसमें दूध डालूंगी और फिर से इसी तरह हिला दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे बेसन की काफ़ी अच्छी कंडीशन हो चुकी है, यह पक चुका है अच्छे से। तो इस कंडीशन पर आने के बाद आप इसे बंद कर देंगे। मैंने इसे बंद कर दिया है, आप देख सकते हो हमारा बेसन काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसे बंद ही रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा बेसन काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है। आपको इसी कंडीशन में अपने बेसन को इस तरह अच्छे से घुमा लेना है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि इस कंडीशन पर आप आ जाए तो अपने गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अगर एकदम से आप गर्म में यह चाशनी डालोगे तो यह फूल जाएगा और आपका जो चक्की है वह अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपको चक्की अच्छी बनानी है तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें। तो देखिए, अब एक तरफ हमने अपनी चाशनी थी जो वो तैयार हो चुकी हैं। धीरे धीरे हम अपनी चाशनी को डाल देंगे इसमें। आपको एकदम से नहीं डालनी है, बिल्कुल धीरे धीरे डालनी है। अब हम दूसरे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे इसमें और इसे अच्छे से इस तरह हिला देंगे ताकि जो चाशनी मैंने इसमें मिलाई है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। बस अब दोबारा से आपको अपने गैस को नहीं चलाना है, बस ऐसे ही से हिला देना है। फ्रेंड्स, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें चाशनी डालो तो इस प्रकार की एक तार की चाशनी बनानी है आपको। तो देखिए, जो बची हुई चाशनी थी वो भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ और फिर से इसे हिला देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यह चाशनी जितनी आपने मेजरमेंट करके बनाई थी वो इसी में डालनी है। अगर बच जाएगी तो यह कुछ काम नहीं आने वाली है, या फिर अगली रेसिपी में आपको इसे यूज़ करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब, दिखने में भी कितनी अच्छी दिख रही है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और फ्रेंड्स, अब हम फिर से अपने उसी प्रोसेस पे आ जाते हैं। आपको थोड़ी देर के लिए इसे फिर से चलाना है, चारों तरफ से अच्छे से इसे हिलाकर। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह काफ़ी दानेदार और काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी इसे और हिला देती हूँ। फ्रेंड्स, बेसन की चक्की आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरीके से जब आप बेसन की चक्की बनाएंगे तो आप उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे और इसका टेस्ट इतना लाजवाब आएगा कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप कलर देख सकते हैं इसका कितना प्यारा और कितना यूनिक कलर आया हुआ है। तो देखिए, यह बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे ठंडी होने के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ और तब तक हम अपने काजू बादाम, जो भी आप ड्राई फ्रूट इसमें डालना पसंद करें वो कट कर लीजिएगा। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें डाल लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक थाली ले ली है और इसी में मैं इसे निकाल लूँगी और अब इसे ऐसे प्रेस कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस तरह और कैसे पसंद करेंगे जमाना। जैसा भी आपको पसंद हो उसी तरह आप इसे बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये शादियों में भी बहुत बार हमें मिलती हैं। हम शादियों में जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बनाते हैं, उनका और अलग तरीका होता है। लेकिन यह उनसे भी काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती हैं। आप एक बार जब घर की यह चक्की बनाकर खा लोगे तो आप बाहर से बेसन की बर्फ़ी हिलाना भूल जाओगे, इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी बनकर तैयार होती है ये। तो इस तरह का मैंने एक स्पैचुलर ले लिया है जिससे कि मैं इसे एक जैसी बिल्कुल प्रेस कर दूंगी अच्छे तरीके से। जो हमने पहले जो चम्मच लिया हुआ था उससे यह अच्छे से प्रेस नहीं हो रही थी, अब आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से यह प्रेस हो रही है। तो इसका थोड़ा सा इसका लुक चेंज करने के लिए मैं इसमें डालूंगी अब ये हमारे कुछ ड्राई फ्रूट है, ये भी मैं इसी के ऊपर थोड़ी सी डाल दूंगी ताकि यह दिखने में भी अच्छी दिखे और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी लगे। और दिखने में तो वाओ, काफ़ी यम्मी लग रही है, ये देख सकते हो आप। अब स्पैचुलर से मैं थोड़ा थोड़ा इन्हें भी प्रेस कर दूंगी ताकि ये ऊपर की तरफ ना रहें और अंदर से काफ़ी अच्छे दिखें। फ्रेंड्स, अभी यह गर्म है तो थोड़ी सी मैं ठंडा होने के लिए इसे रख दूँगी और फिर मैं बाद में इसको कटिंग करके आपको दिखाऊंगी यह कितनी लाजवाब और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल दे दो भाई, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।